आज एक और हमारे साथ स्पेशल मेहमान है और इस वक्त उनकी निगाहें स्क्रीन पर हैं क्योंकि वो पेशावर जलनी के एम्बेसडर भी हैं, टीवी पे बेहतरीन काम किया है, ज़बरदस्त फिल्में की हैं, पर्ची हो, जनान हो, उसके डी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, अली रहमान। क्या हाल है अली, खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? कुछ ट्वीट्स देख रहा होता हूँ और वो कहते हैं कि इस मरतबा पिछले एक दो साल से लगता है कि पेशावर जलमी का फोकस एम्बेसडर्स पे ज़्यादा है और प्लेयर्स पर कम है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं है क्योंकि आई थिंक उनके दोनों लेग्स हैं, प्लेयर्स का जो टीम का अपना है वो अलग कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऑफ कोर्स मार्केटिंग में तो देयर किंग्स। देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जो नई चेंज आए ना, ये जब ये लोग सब आए ग्राउंड में तो इसमें एक रौनक बढ़ी है, नहीं एक नया एक स्टाइल आया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। डी क्रिकेट में और T20 में जरूरी है एंटरटेनमेंट, हैज टू गो हैंड बाय हैंड। हर किस्म की क्रिकेट में डजंट मैटर, टेस्ट क्रिकेट भी अच्छी हो रही है तो अगर हमारे जो शोबिज के लोग आते हैं ना तो अच्छा लगता है। हाँ। बड़ा अच्छा एक इमेज क्रिएट होता है T20 के लिए और लीग पे आपको ज्यादा यूनिक होता है एंटरटेनमेंट। अभी कहाँ आप 8 घंटे का टेस्ट मैच देखेंगे? हमें भी शौक है आके क्रिकेट देखने का। आजकल स्टेडियम्स वैसे ही यू नो इट्स सच अ बिग डील कि हम स्टेडियम्स में क्राउड आया हुआ है, मैचेस हो रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए और फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स आके हमारी लीग्स में खेल रहे हैं तो उससे ही बड़ी बात ये है, तो हमें तो खुश होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी बैठे रहे, घबराना नहीं आप सबके, शुएब आपका भी मोबाइल जैम हो चुका है, आपका भी मोबाइल जैम हो चुका है, आपका मोबाइल, घबराना बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी ऑफ योर स्टूडियोज इन and I am Rahman Malik, you know I don't want to comment on these kind of things. I know who you are Malik saab, lekin aap yahan kya kar rahe hain? यहाँ क्या कर रहे हैं यार, आपने मुझे कॉल किया था? नहीं नहीं नहीं, मैं अली रहमान को कॉल किया था और मैंने आपको बताया था कि गलती से आपको डायल हो गया है, फिर भी आप आ गए यहाँ पर। आपका मतलब है मैं खुद आया हूँ? और यार खुद तो बंदा ऊपर वाले के पास नहीं जा सकता, उसके लिए भी खुदकुशी करनी पड़ती है, मैं यहाँ पे खुद आ गया। लेकिन आपको मैंने क्लियरली कहा था गलती से कॉल लगाया, अब आप सेनेटर भी नहीं रहेंगे तो आपको कॉल करने का क्या फायदा? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, शुएब कान खोल के सुन लो, बाकी लोग भी सुन लो, जिस तरह हमारा लीडर ये नए पाकिस्तान का लीडर यू टर्न लेता है ना, नए पाकिस्तान का एंकर भी इसी तरह यू टर्न लेता है। लेकिन आप बातें कर रहे हैं, मोबाइल आपके जैम हो चुके हैं, आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। आपको याद है मेरा जोर जब 23 मार्च आता था मोबाइल जैम, 14 अगस्त आता था मोबाइल जैम, खुदा का शुक्र है उससे जान छूटी हमारी, मोबाइल जैम 25 दिसंबर आता मोबाइल जैम, वैलेंटाइन डे आता था मोबाइल जैम। मलिक साहब आपकी वजह से कितनी हमारी कितनी डेटें खराब हुई हैं, इसीलिए उमर देख तो गल्ला देख, आपने इतने प्यारे यहाँ पर मेहमान बुलाए हुए हैं, ये देखो अच्छा मेहमान आए हुए हैं। अब आप आ ही गए तो हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं बताइए? अच्छा गुड क्वेश्चन, एक मिनट, हेलो अकरम साहब लाहौर से, आज असी कितने नाला जितने हम जी वो सफेद चावलों के ऊपर बॉम्ब डाल के खाने वालों के साथ है, लाहौर वालों के साथ। लाहौर का मैच तो खत्म हो चुका है। हाँ लेकिन वो कह रहे हैं क्या वैसे आप? अच्छा PSL में लाहौर? नहीं, लाहौर के साथ मेरी बड़ी यादें हैं जी, रिहाइश पजीर रहे, वही मुराद ने लाहौर में बहुत ठोकरें खाई हैं, मैंने लाहौर में बहुत ठोकरें मारी हैं, जानते क्यों? मैं FIA में भी रहा हूँ। यार आप वहाँ जाके बैठे मलिक साहब, अब आ गए तो हमारे प्रोग्राम खराब करें, आपसे थोड़ी देर में बात होगी। यार आपका प्रोग्राम खराब नहीं कर रहा, इतना प्यारा आपका हीरो, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। एक वो रहमान है, एक आप रहमान है, सिर्फ मैं इनसे, एक और भी है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पूछे भाई, आपकी इतनी प्यारी प्यारी आंखें हैं, डायरेक्टर तो कंफ्यूज हो जाता होगा, आप तो हीरो लूं या हीरोइन लूं? हैं मर्दों की अच्छी आंखें नहीं हो सकती क्या? नहीं होती हैं, बहुत अच्छी आंखें। फिर बैठे वहां पे, आपने इनकी फिल्में देखी हैं? जी पर्ची सिलेक्टस्तान, अब खुद देख लें इशारा किस तरफ कर रहे हैं, सिलेक्ट ओके पर्ची, थोड़े अरसे बाद ये उंगली उंगली अंपायर की उंगली, ये वो भी बनाएंगे। अब खुद पूछे सवाल, आई डोंट वांट टू कमेंट। ओके ओके मलिक साहब, हैव अ सीट प्लीज। सेफ है मोहम्मद रिजवान, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट हो या PSL, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। शुएब भाई बहुत अच्छा खेला आज भी मोहम्मद रिजवान ने, फ्लुएंट इनिंग्स, और अच्छी बात यह कि आपने आपको प्रमोट किया एज एन ओपनर। नहीं शराद और कुछ जगह बनती भी नहीं इनकी, और याद रखें इनको खिलाया भी नहीं जाता था, उनको सिलेक्ट किया जाता था, उनको बेंच में बैठा के उनको निरखाल 2-3 साल उनको खिलाया भी नहीं और किसी ने देखा भी नहीं और क्यों देखना चाहता भी नहीं था, और आज इनके अलावा कोई इनको भाई इनको देखना चाहता नहीं कि सिर्फ रिजवान ही खेले, रिजवान के अलावा किसी पर इन्वेस्टमेंट ना हो। देखिए बात यह है कि देखें आप जब के पास आपके पास टाइम अच्छा चल रहा है उसे कैपिटलाइज करें, उस पर मैक्सिमम अपना टाइम दें, आप कोशिश करें जितना आप बेस्ट दे सकते दो, और आज वो वही कर रहा है, दिन में बैटिंग मिल गई उसको, दो रात में बैटिंग मिल गई उसको, आसान बैटिंग मिल गई, वो मारी जा रहा है और उसमें कर क्या रहा है कि वो कहीं पे भी ऐसा लूज अपने आप को आउट ऑफ फोकस नहीं कर रहा जहाँ पे लगे कि किसी को मैं चांस दूँ और ये मैन ऑफ द सीरीज बन जाना, ये मैन ऑफ द सीरीज का सोच रहा है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्कोर गेटर बनना चाहता है,
और वैल्यूएबल प्लेयर बनना चाहता है पीएसएल, और अगेन ही वांट्स टू बिकम अ ब्रांड इन दिस कंट्री व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. वी डोंट हैव द ब्रांड्स यार, वी डोंट हैव द स्टार्स. सो आई थिंक दिस गाय हैज अ गुड इंटेंट, अ ग्रेट फोकस. एट द सेम टाइम सरफराज इज इन अ वेल विद इन हिज वे ऑन हिज वे टू यू नो टू अचीव दोज हाइट्स. बट यू नो दैट इज रिजवान टाइम्स नाउ, दैट इज रिजवान टाइम. एब्सोल्युटली रिजवान टाइम जब शुरू हो जाता है तो आई थिंक आप देखेंगे बड़ा मजा आ रहा है. आज भी शुएब ने बहुत अच्छी बात की, हमें ब्रांड बनाने नहीं आते. अब शुएब अख्तर को देखें कितना बड़ा आदमी है. आप सिर्फ शुएब अख्तर को ले जाएं थार में, दो ओवर करवाएं शुएब अख्तर से, जिधर बाल ठपा खाएगा वहां से पानी ना तो कम से कम पेट्रोल निकल आएगा, वो पेट्रोल ना निकला तो गैस निकल आएगी. कितने मसले हमने कितना बड़ा अपना ऐसे पावे बिठाया हुआ है. अगर इतना ही कमाल ये कर सकते थे थर में तो कुछ कर लेते जब हुकूमत थी, और सिंध में तो अभी भी आपकी हुकूमत है. ले जाए फिर आपसे तो होगा नहीं, इनसे करवा लें ये काम. लेकिन उसके लिए शुएब की हाँ होनी जरूरी है ना, ये मशरकी माशरा है, पूछे शुएब से. अच्छा मैं शुएब भाई से ये पूछने से पहले एक सिक्सर दिखाना चाहता हूँ आज, क्योंकि शुएब भाई ने भी कहा कि आजम ने जबरदस्त बैटिंग की थी यार, क्या कमाल छक्का. बिल्कुल जी, मैंने देखा था ये बहुत अच्छा छक्का मारा था कमाल. शहजाद ये मेरे पास कोचिंग पे आता था जो 10 से 12 साल का था. यकीन करें उस वक्त भी वो साउथ एंड क्लब आपने देखा हुआ है ना, वो पूरा प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है, ये सीढ़ियों पे फेंकता था. अच्छा, उस उम्र में भी ये सीढ़ियों पे फेंकता था. हम लोग कहते थे यार ये इसमें क्या है, और मगर देखें अभी भी इसके साथ ज्यादती ये हो रही है कि ही इज एन ओपनर. अच्छा, और नीचे खेल रहा है, ये नीचे खेल रहा है इसलिए उसकी जगह नहीं बन रही है ना, इज अ विकेट कीपर, ही इज अ विकेट कीपर ओपनर. तो उसको ना विकेट कीपर तो सरफराज होगा तो उसको मौका नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ी सी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होंगी. बट जैसे हम कह रहे हैं कि रिजवान को जब चांस मिला वो फॉर्म में थे, उन्होंने इस चांस को अवेल किया. एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अली रहमान आज हमारे स्पेशल मेहमान है, हमारे साथ हॉट सीट पे होंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे. Stay tuned. Welcome back to Just a Cricket. आज हमारे जो स्पेशल मेहमान है हॉट सीट पे मौजूद है अली रहमान. अली खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो कभी ये कहा पेरेंट्स ने कि फिर एक्टिंग की फील्ड में ना आए, कोई बिजनेस करें या जॉब करें? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने. यूजली तो ये था कि आप जॉब करो और कुछ कमाओ, और एक्टिंग एज वो कहते हैं ना एज अ हॉबी परसू करो, क्योंकि उस वक्त जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. हम हैं इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद में इंडस्ट्री नहीं है, तो इट्स अ फार फेच ड्रीम हमारे लिए, तो कोशिश ज़्यादा करनी पड़ती है हमें. तो फिर है अभी, मतलब अभी भी है आई थिंक स्ट्रगल. मुझे मेरे हिसाब से जो इस्लामाबादियों के लिए स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा है एज अपोज टू शायद लाहौर कराची, बिकॉज एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री से, ऊपर से इस्लामाबाद को वो हमें एक्सपोजर नहीं मिलता उस तरह का इंडस्ट्री को. तो अपने आप को आई थिंक आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आजकल नौजवान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. हमारे ज़माने में आई थिंक उस वक्त सोशल मीडिया इतना फुल फॉर्म में नहीं आया हुआ था, तो हमें छोटा मोटा जो काम करते थे उसको लगा के हम ग्रेजुअली बाय एवरी डे आप देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता जा रहा है. कहा जाता है कि जो मॉडल्स होते हैं वो अच्छे एक्टर नहीं होते, बट आपने तो ये गलत प्रूफ किया है. मैंने खुद देखा है, बड़े जबरदस्त आपने तो एक्टिंग की है, मॉडलिंग में भी आपने कामयाबी हासिल की. मैं क्योंकि एक्टर पहले था, मॉडलिंग तो वैसे ही एज अ पार्ट ऑफ इट हो गया, मगर मैंने तो शुरू मैंने थिएटर से किया है. मैं एक्चुअली हूँ थिएटर एक्टर, तो मैं अपने आप को मॉडल तो नहीं समझता, मैं अपने आप को एक्टर ही समझता हूँ. और मॉडलिंग तो वैसे ही एज अ पार्ट ऑफ पैकेज आई थिंक आ जाता है. और ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं जब आप एज अ लीड हीरो के रोल में होते हैं? मैंने देखा है आपका ड्रामा खास, उसमें आपने विलन प्ले किया था, मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर था. एंजॉय क्या करते हैं ज़्यादा? वो उस तरह के मैं कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ जिसमें शेड्स ऑफ ग्रे काफ़ी ज़्यादा हों. बट ऑफ कोर्स हीरो एक प्ले करने का अपना चार्म होता है, आई थिंक उसकी एक जर्नी का एक अपना चार्म होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर. हीरो भी एक कैरेक्टर ही होता है जिसकी एक स्टार्ट टू बिगिनिंग टू द फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड एक जर्नी होती है. और इसी तरह स्टीरियोटाइप आप नहीं करते? स्टीरियोटाइप मैं नहीं, मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट रोल्स करूँ. एज एन एक्टर आई थिंक अपने आप को पुश करना और डिफरेंट रोल्स करना और यही साबित करना, एज एन एक्टर अपने आप को साबित करना हमारा सबसे बड़ा गोल होता है, सबसे बड़ी वो होती है. तो आई थिंक इनर सेटिस्फैक्शन तभी आती है जब आप अपने आप को पुश करते हो कुछ डिफरेंट करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर करने के लिए. इनकी अप्रोच अच्छी है, विलन को चांसेस ज्यादा मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के. शाहरुख खान को देख लो यार, क्यों घूर के देख रहे हो यार शहजाद, खुदा का वास्ता प्लीज अपनी मेंटालिटी ठीक करें. आपको देखकर और विलन को देख के मुझे एक सवाल याद आ गया जो मैं अली से करने लगा हूँ. ये कुछ सियासतदान है, इनमें से बताइए कि आपके ख्याल में किस सियासतदान को विलन का रोल करना चाहिए, नेगेटिव रोल में ज्यादा सूट करेंगे वो? ये फ्रॉड है मैं बता रहा हूँ. तो इसमें रहमान मलिक साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं और राणा सनाउल्लाह साहब हैं. तीनों पार्टीज, तीनों हमारी लीडिंग पार्टीज के तीन ये रहनुमा है. कौन आपके ख्याल में अच्छी अदाकारी कर सकता है विलन के रोल में? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, बट आई थिंक तीनों अपने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बड़े हीरोज हैं,
तो ये तो सियासत में तो है उनका काम, देखिए बिल्कुल। तो अब पता नहीं अगर वो कभी अपनी एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं अली रहमान, अली रहमान एक विलन की तलाश में है और सियासी विलन चाहिए उनको, और आई एम श्योर दे विल नॉट टेक इट पर्सनली। सियासत तो इनकी अपनी जगह है, बट एज एन एक्टर नहीं। आप करें बाद में, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा था मैं जरा अपनी तस्वीर को चूम लूं। क्या बात है, देखो कौन सोना लग रहा है। दोनों एक ही है तो सोने ही लगेंगे दोनों, वैसे काफी मुवासलत है। कैसी कैसी कितनी? बिल्कुल कॉपी, कार्बन कॉपी। थैंक यू तशीफ। वैसे आई थिंक मैं मलिक साहब से पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग में आपको ये रोल, मलिक साहब कर लेंगे विलन का रोल, आप कर लेंगे? नहीं मैं जरूर, डिपेंड करता है हीरोइन कौन है। हीरोइन नहीं मिलती आखिर में यार, मुझे भी तो इज्जत दो, मुझे भी चार ऑप्शन हीरोइनों की दिखाओ, कहो मलिक साहब आप किन के साथ काम करना चाहेंगे। कोई ऑप्शन नहीं, आप अली रहमान की अगली फिल्म में विलन होंगे फिर। चलिए अच्छा इसको आसान कर देते हैं, हीरो के किरदार में अगर आपने किसी को देना हो तो मुराद सईद होंगे, मुस्तफ़ा नवाज खोकर होंगे, हमजा शहबाज अभी अभी जेल से वापस आए, ये भी तैयार है रोल करने के लिए। मुराद सईद आई थिंक, मुराद सईद हाँ, वो पैशन उनमें काफी है, जब वो बात करते हैं तो बड़े पैशन से और बड़े कन्विक्शन से बात करते हैं। क्या कन्विक्शन से बात करते हैं, जब मैंने टीवी लगाया मुराद सईद को सुना ये इमरान खान जब आएगी तो वो लूटे हुए दौलत को वापस लाएगी, ओए आएगी आएगी, ये क्या है यार, ये पैशन भरा हुआ है, ये तो जितने पैशन वो पैशन ओवरफ्लो हो रहा है। वो बड़े कामयाब डिबेटर थे और देखे जब असेंबली में भी तकरीर करते हैं तो फिर आपको और बोल ही नहीं रहा था, तो हीरो की यही पहचान है कि बीच में कोई ना बोले फिर। हाँ एग्जैक्टली, एनर्जी उनमें डन, आप विलेन है पीछे के बैठे, पिटाई विटाई भी कर देते हैं तो हीरो को तो पिटाई भी करनी चाहिए। एक्शन हीरो भी है, ये लड़ झगड़ देते हैं, पंचिंग वंचिंग भी कर देते हैं, वो तो एक प्रीरिक्विजिट है हीरो बनने का कि आप जो है ना एक्शन जानते हो, एक्शन भी जानते हो, तो ऑलरेडी प्रूफ दुबले पतले हो मगर एक्शन जानते हो। जैसे मैंने कहा खास जो ड्रामा था उसमें आपका एक नेगेटिव रोल था, एक अफवाह सुनी है मैंने उस कैरेक्टर के बारे में, उसमें क्योंकि एक वो कैरेक्टर था तो वो उसमें लोगों ने मुझे बताया कि अली रहमान को एक्टिंग नहीं करनी पड़ी थी, वो बड़ा नेचुरल था, खुद पसंद और सेल्फ प्रेजिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन। नहीं नहीं ऐसी कोई बात, आई थिंक एज एन एक्टर आप वैसे ही हर बंदा खुद पसंद होता है अपने आप, समथिंग अबाउट उस कैरेक्टर जितने तो कोई बट उस कैरेक्टर जितना तो नहीं, वो तो वाकई एक्टिंग थी, मगर अगर किसी ने इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दे ही दिया तो उसका मतलब मेरी एक्टिंग अच्छी थी, तो वेरी गुड जबरदस्त। नहीं एक्टर तो बड़े जबरदस्त शानदार है, आपने इनसे ये नहीं पूछा ये बार बार ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वही अच्छा जी ऑस्ट्रिया वो एक मुख्तलिफ कंट्री है, मैं समझा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किसी मादा वो क्या कहते हैं कैंगरू के साथ वो नैन में टका चल रहा है इनका शायद, कैसी बात है, लेकिन ऑस्ट्रिया में तो कैंगरू होता है। क्या बात है, वैसे आपका एक बड़ा अर्ली डेज का कमर्शियल था गैंगनेम स्टाइल में, आपने उसमें डांस किया था जी, बड़ा मशहूर हुआ था, और उसके बाद मैंने ये सुना है कि बड़ी ऑफर्स आ रही थी लेकिन आप थे नहीं पाकिस्तान, आप ऑस्ट्रिया में थे। जी जी बिल्कुल, उसके बाद मैं ऑस्ट्रिया चला गया था, एक्चुअली अभी मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन ही की थी और उसके बाद मैं ऑस्ट्रिया चला गया था यूएन के साथ काम करने के लिए, तो चार साल मैंने उधर गुजारे, फिर मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम हो गया वापस आने का, और बड़ी कॉन्शियस एक डिसीजन थी। पहले मैं यहाँ इंडस्ट्री में था, मैंने काम किया, शोहरत पाई और फिर चला गया, यूजली ये होता है कि आप शोहरत बाद में पाते हो, मगर मेरा एक वो बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था, मैं चाहता था कि मैं जाऊँ और एक्सपीरियंस करूँ। एक अफवाह हमारी ठीक होगी ना ये वाली कि उस वक्त आप उसके बाद आपको बड़े ऑफर्स आए बट यू वांट हियर, आप नहीं आ, मैं आया था नहीं, तो ब्रावो भी हमारे साथ नहीं है तो हमें गैंगम स्टाइल कोई करके दिखाएगा नहीं, घुटने ये कर करके फट गए तो मैं समझा आप शायद साइकिल पे आए, वो चेन वगैरह से गिर गया था बाहर, लेकिन आप शहजाद कह रहे हैं तो प्लीज जरा दो स्टेप, नहीं वो स्टेप तो आप करके दिखा दें, मैं तो करके दिखा दूंगा, आप ही करके दिखा दें, अभी आप इनके साथ करें बाद में, चलें आप ब्रेक में प्रैक्टिस करें इसके बाद दिखा दें। हाँ हाँ ओके, ये नहीं है वो स्टाइल, वो कौन सा है वो आप ब्रेक में देखेंगे, ये वाला यार मलिक साहब बैठे यार क्या कर रहे हैं, ये वाला कौन सा है, हर स्टेप यार खुदा बताओ कर रहे हैं बैठे हैं क्यों रहे हो, ये वाला भी कर लेता हूँ, ये अच्छा था वैसे माइकल, सॉरी सॉरी सॉरी, T20 भी सेनेट इलेक्शंस की तरह कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल, क्या होने जा रहे हैं जबरदस्त सेनेट इलेक्शन में, गिलानी साहब जीत जाएंगे बड़े आराम से, तो मसला ही कुछ नहीं है, आपको टिकट क्यों नहीं दिया फिर, इसीलिए क्योंकि गिलानी साहब जीत जाएंगे तो आपको नहीं दिया टिकट, देखिए मेरी बात सुने, आप मेरा ख्याल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं आजकल पार्टी वालों के साथ ज्यादा देर खड़ा नहीं हो रहा है, इसकी कोई और वजह नहीं है, मैं जो नजर नहीं आ रहा ना इसके साथ उसकी वजह यह है कि वो एक दफा बिलावल साहब का मोबाइल निकल गया था जेब से, अच्छा हुआ कुछ भी नहीं मुझे पता नहीं, मोबाइल उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, ऐसे जरा मुझे मशकूक नजरों से देख रहे थे तो मैंने कहा जरा उनको अवॉइड कर लेता हूँ इसलिए मैं वो गैदरिंग जरा इंजॉय, आप उधर देखे ना मैच देखे यार मेरे पीछे, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पीएसएल में? सना मीर, सना मीर वेरी गुड, गुड चॉइस। अली रहमान साहब कमिंग बैक टू द फिल्म्स,
अब आपने तीन फिल्म्स की, जान, पर्ची, हीर मांझा, इसमें वही आपके प्रोड्यूसर रहे इमरान काजमी, हरीम भी प्रोड्यूसर थी इनमें, डायरेक्टर भी यही थे, तो ये खास पसंद है कि दोस्तों के साथ ही काम करना है मेरा, या नहीं? उस वक्त ऐसे होता ही था कि एक फिल्म ख़त्म होती थी तो फिर हम दूसरी फिल्म की प्लानिंग में चले जाते थे, तो पैकेज डील तो नहीं कर ली थी आप लोग? नहीं, पैकेज डील नहीं की थी, बस यही था कि एक्साइटमेंट होती थी जैसे ही हम प्रोजेक्ट ख़त्म करते थे, लगता था तो हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो रहा होता था तो दूसरे प्रोजेक्ट की हम प्रिपरेशन शुरू करना शुरू हो जाते थे। हाँ, तो यही है कि भाई हम तो एक्टर्स हैं, हमें जहाँ हमारी दिहाड़ी लगेगी तो हमें जहाँ से ऑफर आएंगी तो हम वहाँ काम तो करेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है कि दिहाड़ी कहाँ पे अच्छी लग रही है या स्क्रिप्ट कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है? दोनों चीज़ों का आई थिंक मिलाव है। ये भी अब इंस्टेंस, अभी जो मैंने रिसेंटली फिल्म अभी रैपअप किया है वजात राउत के साथ, ओके, हाँ, मोहसिन अली ने वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और हानिया आमिर के साथ मैं कर रहा हूँ, तो बहुत वो भी बहुत ही मज़े का स्क्रिप्ट है। आई थिंक पहली दफ़ा आफ्टर लाइक 3-4 साल में किसी और के साथ काम कर रहा हूं। लेकिन शहजाद, हीर मांझा मैंने देखी है। हाँ। अब हीर मांझा वही ना, वो बहुत लंबी है, ऐसा ही है ना जी? जी जी, वो इतनी लंबी हीरोइन के साथ जब ये डांस कर रहे थे मुझे ऐसे लग रहा था टावर के नीचे कोई बच्चा खड़ा हुआ बस टापू खेल टापू आपको पता है ना, पहल दूज यार। हरीम इतनी भी तो लंबी, मतलब लंबी है लेकिन अली के मुकाबले में तो बराबर ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई, लेकिन इतनी लंबी आई थी लास्ट टाइम हमारे शो पे लास्ट सीजन में, ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं आप। आई थी यहाँ लेकिन आपको पता नहीं, आते हुए वो बिजली की तारों में भी फंस गई थी। अच्छा, बताया क्योंकि हम हरीम की बात कर रहे हैं, जरा ये क्विकली दिखा दीजिए, हरीम है इसमें, हानिया के साथ आपने फिल्म कर ली है जो अब आएगी सिनेमा पर, और अरमीना खान, इन तीनों में से बेहतर अदाकार आपके ख्याल में कौन है? तीनों बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार हैं और तीनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, मतलब कि बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, हर इन तीनों का अपना एक स्टाइल है। ये आपने ऑप्शन तो लेना नहीं है, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं इस पे दे ही नहीं सकता कि तीनों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, तीनों की वीकनेसेस बता दीजिए। वीकनेसेस कैसा फंसाया? वेरी गुड, फंसाया अच्छा है, वेरी गुड, मैं देता हूं आपको इसमें, मेरी वीकनेसेस मुंह से निकल गया, कोई वीकनेस नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेसेस हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंसेस हैं इनकी टीवी पे और फिल्म पे, और इन तीनों का अपना एक स्टाइल है, इनकम्पेरेबल विद ईच अदर, तो इनको मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन बेहतर एक्ट्रेस है, क्योंकि हर एक एक्ट्रेस अपनी कला में बहुत अच्छी है। तो आपका एक्सपीरियंस तीनों के साथ काम करने का बहुत अच्छा रहा, एक्सलेंट एक्सपीरियंस रहा। अली, आपने कोई उनको मुतमईन नहीं किया? देखे उन्होंने बड़ा टेक्निकल सवाल, कुछ लोग होते हैं जिनकी वीकनेस होती है शेर नहीं ठीक पढ़ सकते, ऐसी सिचुएशन आ जाए, कुछ की वीकनेस ये होती है उस तरह, ये पूछ रहे हैं आपसे, कोई वीकनेस बताएं, ये आपके ऊपर लाजिम है वरना आपको जुर्माना होगा। अच्छा, मलिक साहब ने कह दिया ये तो जेल शेल में डाल देंगे आपको नेक्स्ट टाइम एफआईए में आए तो। इनकी वीकनेस बताएं। नहीं नहीं, तीनों को शेर पढ़ने आते हैं, एक्ट्रेसेस है ना, ये भी हो सकता है ना, कोई रोती जल्दी हो उसको समझाओ तो वो रोना शुरू कर दे, मतलब फोन एक्टिंग वाइज करे है जी इस तरह, कोई लेट आता हो। इन तीनों में से लेट कौन आता? सारे प्रोफेशनल, ऑल पंक्चुअल, तीनों में से कोई भी लेट नहीं आता। सीन के वक्त फोन कौन उठा लेता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, फोन भी नहीं, प्रोफेशनल मलिक साहब, प्रोफेशनल, बहुत वेरी प्रोफेशनल, इतने प्रोफेशनल होते हैं यहां के आर्टिस्ट, हम ऐसे यहां होते हैं, बल्कि मेरा अच्छा इत्तेफाक रहा है कि आप अगर प्रोफेशनल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई प्रोफेशनल ना हो, बिल्कुल वो शायद आपकी इंडस्ट्री में ज्यादा इस तरह। चलें, मुझे एक क्विक ब्रेक लेना है, जो सोशल वर्क भी बड़ा किया अली ने उस पर भी हम बात करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज से किया है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट, अली रहमान आज हमारे स्पेशल मेहमान है। क्रिकेट के हवाले से ये बताइए, आप इमरान खान के भी फैन है, सपोर्ट करते हैं उनको? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैन। तो अगर 92 के वर्ल्ड कप में कप्तान जावेद मियादाद होते, जावेद मियादाद ने वर्ल्ड कप जिताया होता, क्या वो भी आज हमारे वजीर आजम होते? मुझे नहीं लगता कि वो हमारे वजीर आजम होते, उनका शायद गोल ही नहीं था ये ना, अगर होते तो अभी भी पॉलिटिक्स में होते या हैं, मुझे शायद आइडिया नहीं है कि हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में तो नहीं है, मगर नहीं, आई थिंक वो डिपेंड करता है कि उनकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी क्या थी, मगर आई डोंट थिंक कि वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर। व्हाट आई मीन टू से कि सिर्फ क्रिकेट की वजह से तो वजीर आजम कोई नहीं बन जाता, एक स्ट्रगल तो होगी, स्ट्रगल होती है, बट आई थिंक इमरान खान की जो सबसे बड़ी वो अचीवमेंट रही है कि उन्होंने जो जिस चीज़ पर अपना दिमाग डाला है, हाँ, तो उसको हमेशा अचीव किया है, उन्होंने कभी हमेशा ये गिव अप नहीं किया। अब देख लें पीटीआई कितने अरसे से एस्टैब्लिश हुई हुई थी और कितने साल लगे उनको इस ओहदे पे पहुंचने के लिए। जब आप भी कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो जरदारी साहब आपको यही गुरियां देते हैं फिर? आपने मुझे कौन सी उल्टी सीधी, मुझे को आपने आइटम सॉन्ग करते हुए देख लिया है, साड़ी पहन के नाचते हुए देख लिया, वो करते, वो तो आर्ट है। मैंने क्या मसला होता है? मैंने पुठी सीधी हरकतें कौन सी करनी है मुझे बता, मैं जुए में पकड़ा गया हूँ, मोबाइल स्नैचिंग में पकड़ा गया हूँ, असेंबली में चावल मार दी आपने, मैंने असेंबली के अंदर, मेरी इतनी खिदमत है यार, आप कमाल करते हैं, आपको पता ही नहीं। अच्छा, आपके पास एक आध मिनट का अगर टाइम हो तो मैंने एक क्लैरिफिकेशन करनी है छोटी सी। क्या क्लैरिफिकेशन देनी है? कैमरामैन, ये जो पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ, पहले ये कहा गया कि
सीकू भाई के घर में ट्यूबलाइट का रॉड सड़ गया, शहजाद आपने हंसना नहीं है, उस सड़े हुए रॉड की जगह सीकू भाई को लगाया और वो ट्यूबलाइट की तरह करके जल गए। हमजा शहबाज ने कहा नहीं वो 100 वोल्ट का बल्ब था, फिर दोस्त आशिक कुमार ने कहा नहीं 0 वोल्ट का बल्ब था, कल शहबाज गिल कह रहे थे कि वो मोमबत्ती थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने इंक्वायरी करवाई है, सीकू भाई उस दिन अपने घर में थे ही नहीं, ये तो फिशिंग के लिए गए हुए थे, मछली पकड़ने के लिए इन्होंने कांटा डाला, मछली भारी थी, वो तो बाहर नहीं आई, सीकू भाई अंदर चले गए, वो तो भला हो इनके ऊपर कोई गोश वोश नहीं था, मछली ने ऐसे ही को एक दो चपेड़े चूने मार के साहिल पे फेंक दिया। वो फिट इंसान है, उनसे सीखे कुछ। ये बताए जो ये कढ़ाई खा के आए ना, जिस तरह हंस रहे हैं, ये उसी का असर है। अभी हम क्योंकि सियासतदानों की बात कर रहे थे और बड़े अच्छे एक्टर हैं अली, और अली की डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी, तो आपने मुझे बताना है कि ये जो 3-4 हमारे साथ सियासतदान है, इनमें से किसकी डायलॉग और किसकी डायलॉग डिलीवरी ज्यादा अच्छी आपको लगी? अच्छा, जी दिखाइए बारी बारी। इमरान खान साहब घबरा गए थे बीच में, अभी भी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र ना करें, घबराना नहीं है उनका ट्रेडमार्क। बारी बारी मुझे कई बड़े घबरा गए थे बीच में, अभी भी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र ना करें, घबराना नहीं आपने। क्यों निकाला मनसब से, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला। इन लोगों को भी को थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जी 4 बड़े पॉपुलर डायलॉग्स हैं हमारी सियासत में, कौन सा आपके ख्याल में सबसे ज्यादा पॉपुलर डायलॉग है? आई थिंक सबसे ज्यादा जो पॉपुलर डायलॉग है वो है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, पॉपुलर हो गया, हिट कर दिया उसको। आई थिंक सबसे ज्यादा गाना भी बना था आई थिंक उस पे। और डिलीवरी किसकी बेहतर लगी आपको? ये बड़ा एक और काम करना है आपने, ये बड़ा टफ कंपटीशन है कि डिलीवरी सबसे बेहतरीन किसकी थी, बट आई थिंक डिलीवरी जितना दर्द शायद नवाज शरीफ के दोबारा दिखाई, वो ठीक है, वो दर्द से जिस दर्द से बोले हैं, तो आई थिंक डिलीवरी सबसे बेस्ट, बिकॉज़ ऑब्वियसली उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जीटी रोड पे थे, वो सवाल भी 3-4 दफा किए उन्होंने। हां क्यों निकाला मनसब से, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, बाकी जायज सवाल है जो इर्द गिर्द भी लोगों से पूछे कि क्यों निकाला भाई, मतलब कि वो आग बता भी नहीं रहे। और ये जो आपने बताया ना कि दर्द उनके, वाकई मुझे भी लग रहा है उनके गले में दर्द है, क्योंकि वो कह रहे थे क्यों निकाला, असल में उस वक्त वजीर आजम थे, ऑल ऑफ सडन कोर्ट से वो नाहल हो गए, इसलिए वो सवाल पूछे थे, लेकिन ये तो इनका अंदाज था। अब यही डायलॉग आपने हमें बताने के कैसे बोले जाएंगे, पहले इमरान घबराना नहीं है जी, और अगर उनको कैसे बोले जाएंगे सकें तो वो तो और भी बेहतर, कैसे बोले जाएंगे, मतलब इमरान, मतलब इमरान खान के अंदाज में जैसे इमरान खान ने बोला था, जी जी घबराना, आपने घबराना नहीं है, वापस हो जाए, दिस इज टू गुड, देखें जो भी हो जाए आपने घबराना नहीं है, क्या बात है, टू गुड। नवाज शरीफ प्ले कर दे दोबारा, हाँ जी एक दफा फिर दिखा दीजिए, क्यों निकाला मनसब से, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला मनसब से, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्यों निकाला, आई थिंक ये सही था शायद, कमाल ख्वाजा आसिफ पालेड़ो, बड़ा जबरदस्त, ये प्ले करना पड़ेगा आपको, ये बहुत ज्यादा लंबा डायलॉग था। इन लोगों को भी को थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अली इज रेडी, इन लोगों को भी थोड़ी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। अब बिलावल मेरे कायद, बिलावल वो सुनिए जरा, बिलावल साहब मैं शायद जरा वो सुनिए, सिंपल डायलॉग अपने अंदाज में कर दें। हां बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा पानी, हां इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। छक्का लगता है जी, जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ऑफ कोर्स ज्यादा पानी आता है। वेरी डीप था। अच्छा अली, आपके सोशल वर्क पे मैंने देखा है, आपने बड़ा काम भी किया है, और आप
इश्यूज को उठाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, जहेज के खिलाफ आपने किया था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर एक वीआईपी कल्चर के खिलाफ जिस पे सबको लगा कि शायद आपने बदतमीजी कर दी है रेस्टोरेंट में जाके, बट आपने कहा वो एक कैंपेन थी। तो ये इसके पीछे थॉट क्या है, आप समझते हैं ये एज एन एक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बिकॉज लोग आपको सुनते हैं, या ये पहले से आपने सोचा हुआ था कि आई हैव टू कंट्रीब्यूट समवेयर? आई हैव टू, वो तो मैंने पहले से सोचा हुआ था कि एक तो होना होता है कि सेलिब्रिटी होना, और एक होता है अपने सेलिब्रिटी को इस्तेमाल करना। और कुछ लोग अपने सेलिब्रिटी को किसी पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी है, बट आए अब हमारे पास अगर एक वॉइस है तो मैं मुझे लगता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सोशल वाइसेज हैं हमारे सोसाइटी में, उनको एड्रेस किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए कि जो कुछ हम नॉर्मल समझते हैं वो शायद नॉर्मल इतने नहीं है, वो शायद नहीं होने चाहिए। और इसीलिए मैंने ऑफकोर्स जहेज़खोरी पे इतना बड़ा इतनी बड़ी आवाज़ निकाली। उसके बाद फिर हमने बात की मैकडॉनल्ड्स के साथ मिलके, हमने ये जब कैंपेन किया था तो उससे पहले उसकी थॉट प्रोसेस भी यही थी, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइजेज है, इतनी ज़्यादा चेन्स हैं उनकी पूरे पाकिस्तान में, तो उनकी जो एम्प्लॉज़ फेस करते हैं ऑन एन एवरी डे बेसिस, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट एन एनी रेस्टोरेंट, इट्स अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, तो हर बंदे की तरह हर बंदे को लाइन में लगना पड़ता है, एवरी वन हैज़ टू। बड़ा रिस्क लिया था आपने, क्योंकि अगर किसी ने पहला पार्ट देखा और दूसरा उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो किसी ने दूसरा रिएक्शन आया था? बिल्कुल, मुझे बल्कि पहले पार्ट पे तो इतना नेगेटिव फीडबैक आया, इतना नेगेटिव, आपको पता है हमारे असल में सोशल मीडिया का एक जो नेगेटिव साइड ये है कि वो जंपिंग टू कंक्लूजन हो जाता है। तो लोग पूरी पिक्चर को कॉन्टेक्स्ट की, मैं एक बात कर रहा था शायद ब्रेक में आपके साथ, कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते और हम लोग जंप टू कंक्लूजन कर जाते हैं कि यार ये तो बुरा चीज़ है। तो वही है कि हम प्लान तो हमने इसी तरह किया था, मगर वो इतना स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि हमने कहा था कि हम उसको बाद में हम दूसरी वीडियो भी रिलीज़ करेंगे, बट आई थिंक पीपल कॉट ऑन टू द नेगेटिव ऑफ इट rather than the message itself. तो शायद हमारे लिए भी एक लर्निंग थी कि मे बी जिस तरीके से हमने एड्रेस किया शायद वो रिस्की वेंचर, बट आपने बड़ा अच्छा TCF के लिए काम किया है, खवातीन के लिए, औरत मार्च के बड़े सपोर्टर हैं। स्नो लेपर्ड्स पे मैं आपकी देख रहा था कि आपने एक वीडियो बनाई थी कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, अमेजिंग वर्क। अब मुझे कुछ और भी आपको ये दिखाना है, उसमें से बताइए कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन कौन है हमारी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा में इंडस्ट्री? जी दिखाइए जी, तीन बिलाल अब्बास हैं, इमरान अशरफ हैं और बिलाल अशरफ हैं। बिलाल अशरफ के साथ तो आपने अच्छा ओके चलें ये पहले दिखा दें। इनमें से ये बताइए कि नुमान एजाज, फैसल कुरैशी, वासे चौधरी और फहद मुस्तफ़ा, सियासत में किसको आना चाहिए, कौन आ सकता है सियासत में? आई थिंक सियासत में उन्हीं को आना चाहिए जिनका दिमाग बहुत लोगों को, एक तो दिमाग बहुत अच्छा हो, मतलब कि जिनका और ऊपर से जिन जो लोग मतलब कि जिनके पास एक स्टार पावर है, जो मतलब कि इनकी फॉलोइंग है माशाल्लाह से, सारों की स्टार फॉलोइंग है, तो है सब। एंड आई थिंक मैं अगर मैं इनमें से कोई भी आ सकते हैं पॉलिटिक्स में, बिकॉज इन सारों के जो जिस मोटिव से ये लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, क्या लगता है किसका कोई भी आप इनमें जो, बिकॉज आई थिंक नुमान एजाज हमारे सबसे सीनियर एक्टर हैं, ऑब्वियसली मोस्ट रिनाउंड एक्टर, मेरे वन ऑफ माय फेवरेट्स एज वेल। मैं कहूंगा नुमान एजाज साहब अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि ही अब कुछ इंटरव्यू भी देखे थे, इज़ वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट ही अबाउट द इंडस्ट्री एंड जो चीज़ें कह रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में, जो चीज़ें उछाल रहे हैं और जो फ्रंट फोर फ्रंट पे ला रहे हैं, तो मैं काफ़ी आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द पीपल ही कैन एक्चुअली रेज अ वॉइस एंड गोइंग टू पॉलिटिक्स। बिलाल अब्बास, इमरान अशरफ, बिलाल अशरफ, आपका कॉम्पिटिशन? तीनों बड़े अच्छे एक्टर हैं, तीनों बहुत ही गिफ्टेड एक्टर्स हैं, तो मैं आई थिंक तीनों ही कॉम्पिटिशन, एज इन तीनों मेरे दोस्त हैं। खैर मैं बिलाल अब्बास को इतनी ज़्यादा नहीं जानता, मगर उसके काम को बड़ा एडमायर करता हूँ, बड़ा अच्छा एक्टर है, बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। इमरान अशरफ इज़ एक्सलेंट एक्टर एज वेल, बिलाल अशरफ ने अभी सुपर स्टार की, वाज रियली एक्सलेंट इन दैट एज वेल, तो आई मीन बहुत अच्छे एक्टर्स हैं तीनों। आई मीन अगर आप देखा जाए मेरे तो पीयर्स बने, मगर शायद आप लोगों की नज़रों में मेरे वो कंपटीशन हो, मगर हम तो ऐसे हेल्दी कंपटीशन तो होता है ना, कि आप हेल्दी कंपटीशन तो आप एक ड्रामे में बिल्कुल नॉट बी अ गुड परफॉर्मर। बिल्कुल आई थिंक हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम, वो तो हम स्टेज पे भी देखते थे कि कोई हमसे बेहतर एक्टिंग कर रहा हो तो हम भी अपनी एक्टिंग अप कर देते थे, और वो बहुत ही अच्छी चीज होती है क्योंकि इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। सो आई थिंक रादर देन सेइंग दैट दे आर माय कंपटीशन, आई थिंक दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। ओके दैट्स अ गुड आंसर। आपके ख्याल में खबरों में रहने के लिए कौन ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है, मीरा या यासिर हुसैन? अब मैं इसका क्या जवाब दूं, क्या लगता है? ये शायद एक ऑडियंस पोल होना चाहिए। मैं अगर
फोन अ फ्रेंड कर ले अगर आप इनको फ्रेंड मानते हैं तो, ये फोन अ फ्रेंड कर, मैं आपको फोन अ फ्रेंड करूं। याद रखें मुझे फोन जो फ्रेंड करता है ना वो ये कहता है कि ये अगर केला खा रहे हो तो कहते हैं वो सेब खा रहा है। शहजाद की शक्ल में खाए वो पहली बार ऐसा शहजाद मेरे डायलॉग रखना चाहिए था वैसे। और ये मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए आज तक मैंने अभी यूजुअली तो होता था मीरा की कंट्रोवर्सी आती थी कमिंग जो ये पिछले जो दिन गुजरे हैं या महीने गुजरे हैं मैंने कोई मीरा की कंट्रोवर्सी अभी रिसेंट सुनी नहीं है। यासिर की एक दो सुनी थी तो शायद कल सुनी है याद अगर कल क्या हुई है कुछ हुई है अच्छा कुल चल रहा है तो फिर वही यासिर आ गया यासिर से ठीक है मैंने आपकी हेल्प कर दी इसमें। अब क्योंकि बात कर रहे थे रहमान मलिक साहब का एक था कि उनके बारे में जुल्फिकार मिर्ज़ा ने कहा था वो केला खा रहे होंगे कहेंगे नहीं सेब खा रहा हूँ इतने उनकी झूठ बोलने की आदत है। तो झूठ से मुझे याद आया कि एक ऐसा झूठ जो हर अदाकार इंडस्ट्री में बोलता है जो हर अदाकार इंडस्ट्री में बोलता है ये सवाल आपने इसके बाद मुझसे भी पूछना है। ओके बहुत अच्छी फिल्म थी बहुत अच्छी फिल्म और ये आखिरी मर्तबा आपने किसको कहा था? मैंने किसी को नहीं कहा मुझे वाकई बहुत अच्छी फिल्में लगती मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इंडस्ट्री को और चाहता हूँ कि इंडस्ट्री ग्रो करे और मैं चाहता हूँ कि और फिल्में करें हम लोग तो कभी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ओके बट कभी किसी का दिल रखने के लिए भी कह देना चाहिए ताकि उसको एक सहारा मिले। बिल्कुल कहना चाहिए। अब यही सवाल है अगर आपने मुझसे पूछा है आपसे पूछा है क्या वो झूठ है जो हर सियासदान बोलता है? यार फिल्म की बात करो ना ये तो आप दो नंबर ही कर रहे हो। चले ओके ये पिक्चर बड़ी हटके पिक्चर है बड़ी हटके पिक्चर कोई हटके नहीं होती वही स्टोरी होती है वही बाप है नाराज हुआ होता है ये अच्छा स्क्रिप्ट है बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट नहीं बड़ी हटके क्या है धरन से पूछो ये हटके क्या मेरी दफा सही बात हट होते हैं ना वो जो हट होते हैं ना शायद उनकी तस्वीर हो। अच्छा आपको पता है ये इतने सुपर फिट क्यों हैं? ये सब्जियों के दीवाने ऐसे ही है ना जी वेजिटेबल्स आप बड़े ये सब्जियां इतने शौक से खाते हैं जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है ना ओए माँ का दूध पिया तो सामने आ ये कहते हैं ओए सैलेड का डब्बा खाया तो सामने आ। क्या ठंडी सूरत है आपकी मलिक साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप। अली रहमान आज हमारे मेहमान है ये लास्ट सेगमेंट है तो ट्रू एंड फॉल्स कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हमारी इंडस्ट्री में लुक से ज्यादा टैलेंट मैटर करता है ट्रू एंड फॉल्स इसमें भी डिप्लोमेसी हाँ अच्छा हाँ आई थिंक अभी हर वक्त तो ऐसे नहीं होता पर लुक से ज़्यादा मैं आजकल रिसेंटली में तो ट्रू है ट्रू ओके मुझे फिल्मों से ज़्यादा ड्रामों में काम करना चाहिए ट्रू ड्रामों में काम करना चाहिए बिल्कुल ओके। हरीम फारूक को अरमीना खान के साथ काम करना बहुत पसंद है ट्रू ओके। इंडस्ट्री में मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग और कोई नहीं है फॉल्स आपका क्या ओपिनियन है मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग नहीं नहीं है एक दो हैं यार सही मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओ ओ सॉरी सॉरी नहीं ये तो बहुत खूबसूरत आदमी है देखे ना गौर से धुली हुई प्लेट लग रहे हैं अपने ऊपर ले गए फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों का की इजारादारी है और मेरिट पर काम नहीं होता कई दफा होता बिल्कुल अदाकार असफर रहमान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि इंडस्ट्री में सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को भी हरासा किया जाता है ट्रू और फॉल्स? मैंने नहीं देखा ये आज तक तो मेरे हिसाब से फॉल्स है मगर शायद मतलब उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो तो नसीबोलाल से बेहतर एंथम पीएसएल का अली जफर ने गाया था आपको कैसा लगा वैसे ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा बाय द वे जितने भी मेहमान आए सबको अच्छा लगा पता नहीं क्यों उतना वो बिल्कुल देखिए अली जफर बहुत कैलिबर आ जाता है ना बहुत कैलिबर के सिंगर हैं और मगर नसीबोलाल तो हमारी एक कौमी असासा जैसे कहते हैं तो मुझे तो अभी ये फॉल स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा है दोनों ने ऑफ कोर्स अपना ये अब कंपेयर नहीं अगेन वो कंपैरिजन में हम लोग चले जाते हैं हर चीज में कि ये इज दिस बेटर इज दैट बेटर एवरीथिंग इज अ फ्लेवर फॉर दैट वेरी टाइम किसी के लिए अच्छा जब वो उन्होंने गाया था तो उस टाइम के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त गाया था इसका अभी मतलब कि अभी इन्होंने जो गाया है बहुत जबरदस्त गाया है कि क्या आवाज है और उन्होंने जिस तरीके से इसको मॉडर्नाइज किया है दिस इज नॉट हर कंफर्ट जोन दिस इज नॉट हर फोर्टे बट शी डिड इट तो हमें बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए हम उनको नीचे ले जाने के बजाय हमको उनको ऊपर उठाना चाहिए कि शी इज आवर कॉमी ट्रेजर। अली अगर आप अदाकार नहीं होते तो क्रिकेटर होते? मैं स्पोर्ट्समैन होता स्पोर्ट्समैन हां जरूर। अगर क्रिकेट नहीं तो क्या खेल रहे होते? मैं अगर क्रिकेट ना खेलता तो मैं शायद वॉलीबॉल या बैडमिंटन
चलें फिर तो पाकिस्तान में ज्यादा स्कोप नहीं, अच्छा हुआ आपने अदाकारी चूज कर ली। बिल्कुल, हैविंग सेड दैट, इन चीजों को प्रमोट जरूर करना चाहिए। बट बहुत शुक्रिया अली रहमान साहब, आप हमारे, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, स्पेशली ऑन अ डे जब पेशावर जीता है। थैंक यू वेरी मच अली रहमान, आपका शुक्रिया। अच्छा अब हम दोनों भाई बैठ के जरा फोकस हो गए, अब हम सवाल जवाब करते हैं, शो वाइंड अप कर लेता हूं, फिर आप और मैं बैठ के बात करते हैं। बल्कि क्या मतलब है यार, मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुमने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा यार। आप छह सवाल कर लिए, ज्यादा कर लिए, कम देने चाहिए थे। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आप हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।